पहले तो इन्होंने डिनाई करा था जब हमने सामने ले आए, तो उसको ये क्या डिले कर रहे हैं आप 15 दिन एक जांच, अगर डॉक्यूमेंट को जांचना है 15 दिन में, हमने जिसको डॉक्यूमेंट को सिर्फ दो दिन में जांच के दे दिया, इतना कुछ सरफेस कर दिया, तो मुझे नहीं समझ आया कि 15 दिन किस लिए चाहिए थे। और ये कहाँ लिखा है 15 दिन 15वें दिन ही देनी है रिपोर्ट, कहीं लिखा? उन्होंने कहा 15 दिन के अंदर, तो ये रिपोर्ट तो भाई तीसरे दिन भी आ सकती थी, दूसरे दिन भी आ सकती थी, इतना डिले किस लिए? और कोई क्रिमिनल, कोई स्कैमस्टर जो है वो ऐसे नहीं बोलता कि हाँ पब्लिक में आके बोलूँगा मैंने स्कैम किया, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। आपको भी इतना समझ में होना चाहिए, जो एजेंसियों को मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँ, उनको भी समझ होनी चाहिए कि ऐसा कोई नहीं कहेगा। किसी ना किसी को रिमांड पे तो लेना पड़ेगा, नाम है इतने आपके सामने, आपने किसी को अभी तक लिया? किसी को आपने किसी को पूछताछ के लिए बुलाया? भाई कैसे बुलाएंगे, कोई FIR लॉज भी नहीं हुई, किसी अननाउन पर्सन के ऊपर भी तो नहीं हुई। घर का अगर मुखिया जो है वही अगर कहीं गलत कर रहा है तो बाकी लोग गलत करेंगे और वो उसको डिफेंड भी करेंगे, अपने घर की बात घर के अंदर रखने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमने कहा सरकार ना करे, सरकारी लोग ना करें, इसमें एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, जहां तो हमने जुडिशरी के अंदर मांग कर रहे हैं, और हम तो कहते हैं कि इसमें CBI की जांच होने दीजिए, ताकि भविष्य के लिए जो रैकेट कर ये चला रहे हैं जिस तरह का रैकेट, इसमें हमारी स्टेट के ही लोग, ऐसा नहीं है, कुछ लोग स्टेट के भी हैं, बाहर की एजेंसियाँ भी शामिल हैं, तो उनको भी शामिल जो हुए हैं उनके लोगों को भी सजा देने के लिए कम से कम एक पावरफुल एजेंसी तो हो। जब ये सारी टेंडरिंग प्रोसेस चल रही थी, JKSHB के सामने ही टेंडरिंग हुई, उसी ने करा है, L1 को टेंडर दिया नहीं, उससे हाथ से लेकर L2 को दे दिया, या जो भी दूसरी एजेंसी उसको दे दिया, कैसे? हाँ जी सीक्रेसी मेंटेन नहीं कर पाएगी, आपको पता चल गया सीक्रेसी मेंटेन नहीं कर पाएगी, आपने कोर्ट में ये कहा, लेकिन उस इंसान का जो L1 था उसको तो पहले तो कन्वे नहीं करा, आपने चोरी से टेंडर किसी और को दे दिया, जो L1 था पार्टिसिपेंट था टेंडर में उसको तो बताया नहीं गया। तो ये टेक्निकल कुछ ऐसे हैं जो इनके ऊपर जांच होनी चाहिए, तो JKSHB को कटघरे ऐसे बाहर क्यों कर रहे हैं? तो इन लोगों के सामने ये चीज़ें हुई, आप कैसे कह सकते हैं कि हम इनके ऊपर भरोसा कर लें? ये जिस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये सोच भी रहे हैं तो ना सोचे, क्योंकि हम अभी तक ये, मैंने कहा कि मैं बार बार ही कह रहा हूँ कि हम अभी तक ये इसलिए नहीं दे रहे थे, पब्लिक नहीं कर रहे हैं कि भाई सरकार के कुछ लोगों के ऊपर तो भरोसा रहना चाहिए, लोग कहाँ जाएंगे। लगभग 90 से 92 हज़ार बच्चों ने इस पेपर को दिया था, अगर अब इसके अंदर दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होता तो नेचुरल सी बात है कि इन सभी अभ्यर्थियों का जो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से और इस सरकार पर से भी जो है विश्वास उठ जाएगा, और फिर वही बात आ जाती है जो आप कह रहे हैं कि फिर पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाता। ऐसे में जब लगातार इसमें सरकारी अधिकारियों के नाम आ रहे हैं कि कुछ लोगों ने अपनी पोजीशंस का मिसयूज़ करके बड़े स्कैम को अंजाम दिया है, तो ऐसे में CBI इंक्वायरी बहुत ज़रूरी है। JKPSI का जब से रिजल्ट जो है वो आउट हुआ है JKSHB द्वारा, तब से वो एग्ज़ाम जो है वो सुर्खियों में छाया हुआ है। वहीं आप देखें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो है वो उसकी इंक्वायरी करने की मांग भी दे दी है। और उसी के साथ साथ जहां पर बात करते हैं, यहां पर कुछ एस्पिरेंट्स हैं, हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी, क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद खालिक है। मोहम्मद खालिक जी, अभी तो इंक्वायरी की जो बात है वो पूरी हो चुकी है और उसकी जो रिज़ल्ट है वो भी 24 तक पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, तो आप क्या कहना चाहते हैं, मैं ये जानना चाहूँगी। देखिए मैम, इंक्वायरी इनिशिएट करने से इतना बड़ा स्कैम जो है बाहर नहीं आता है। मतलब आपको ट्रस्ट नहीं है? ट्रस्ट बिल्कुल है, लेकिन मैम एक जो प्रक्रिया होती है किसी चीज़ की, किसी प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस ऐसे होता है कि अगर कुछ पाया जाए डाउटफुल हो तो उसमें जर्नल एक FIR लॉज होनी चाहिए थी, अगर किसी व्यक्ति का नाम नहीं आता। लेकिन आए दिन आप भी खबर देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं, कह रहे हैं कि इतने इतने पावरफुल लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं इसमें, तो एक जर्नल FIR तो बनती थी। अगर किसी व्यक्ति का नाम भी आता है तो भी FIR नहीं हुई है। तो अभी प्रिलिमिनरी जो इंक्वायरी इनिशिएट हुई है उसमें हाँ या ना में जवाब जाएगा, हुआ है या नहीं हुआ है। हुआ है तो उसके बाद किसी इंक्वायरी एजेंसी को दिया जाए, ये इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया जाएगा। लेकिन मैटर ये नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि इस इंक्वायरी से कुछ नहीं होने वाला, CBI इंक्वायरी की जाए, FIR लॉज की जाए और कल्प्रिट जो हैं उनको पब्लिक डोमेन में ला के उसके बाद जो ला के हिसाब से कार्रवाई बनती है उन पर कार्रवाई की जाए। एक आपसे सवाल जानना चाहूँगी, आपको क्या लगता है जो पैसे देकर पुलिस सेवा करेगा तो आपको क्या लगता है किस तरह का इंसान जो है वो सर्व करेगा कंट्री के लिए? देखिए मैम, वो तो बात की बात है, लेकिन पहले ये चीज़ है कि अगर आपका मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जिसे हम फंडामेंटल राइट कहते हैं, फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, सबसे पहली बात है जो इंडियन सिटीज़न है उनको अधिकार है, आर्टिकल 16 उनको अधिकार देता है कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इसमें इक्वल प्रोटेक्शन है, 14 इक्वल प्रोटेक्शन देता है। लेकिन जब आपके आसपास में ऐसे क्राइम हो रहे हैं जहां पे आपकी रिक्रूटिंग एजेंसी में ही धांधलियां हो रही हैं, तो आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है?
मैं तो कहता हूँ इसमें सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेके इंक्वायरी बिठानी चाहिए। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आपने एक वीडियो भी देखा होगा जिसमें भाजपा के अध्यक्ष कह रहे हैं हमें लगता था कि ये स्कैम हो सकता है, लेकिन ये स्कैम निकल कर, आपको क्या लगता है ऊपर तक बात नहीं गई होगी कि स्कैम हो रहा है या स्कैम चल रहा है? देखिए, यहाँ तक आप हमसे कह सकते थे कि एलिगेशन सिर्फ एस्पिरेंट्स लगा रहे हैं, तो अगर रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष जी भी कह रहे हैं कि स्कैम हुआ है तो फिर सीबीआई इंक्वायरी देने में क्या क्या दिक्कत है एडमिनिस्ट्रेशन को या एलजी सरकार को? मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम विंकल है जी। आप यहाँ पे कह रहे हैं वी वांट इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी जो इंक्वायरी हो रही है क्या आप फेथफुल है आपके लिए, आप क्या आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, फेथ है आप? देखिए, ये 3D अप्रोच अपना के कर रहे हैं तो मैं इस पर फेथ तभी बनेगा जब कुछ कंक्रीट सामने आएगा। पहले तो इन्होंने डिनाई करा था, जब हमने सामने ले आए तो उसको ये क्या डिले कर रहे हैं आप 15 दिन, एक जाँच अगर डॉक्यूमेंट को जाँचना है 15 दिन में, हमने जिसको डॉक्यूमेंट को सिर्फ दो दिन में जांच के दे दिया, इतना कुछ सरफेस कर दिया, तो मुझे नहीं समझ आया कि 15 दिन किस लिए चाहिए थे। और ये कहाँ लिखा है 15 दिन, 15वें दिन ही देनी है रिपोर्ट? कहीं लिखा? उन्होंने कहा 15 दिन के अंदर, तो ये रिपोर्ट तो भाई 3रे दिन भी आ सकती थी, 2रे दिन भी आ सकती थी, इतना डिले किस लिए? सवालों के घेरे में है। लग रहा है कि इंक्वायरी के बावजूद भी किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश की जा रही। जो 3रा D था मैं उस पर आऊँगा, ये डिसमिस करने का इनका इरादा, जिसको आप कह रहे हो छुपाने की कोशिश, बिल्कुल वही कि इनका कुछ ऐसा मोटिव बन रहा है, कुछ लोग जानकारी आ रही है कि मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं जांच को प्रभावित, जो अभी तक जांच चल रही है उसका, हालांकि डिपार्टमेंटल नेचर है, वो डिपार्टमेंट के अंदर कर रहे हैं, जबकि इस मैटर में क्रिमिनल नेचर इन्वॉल्व है, क्योंकि लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। और कोई क्रिमिनल, कोई स्कैमस्टर जो है वो ऐसे नहीं बोलता कि हाँ पब्लिक में आगे बोलूँगा मैंने स्कैम किया, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। आपको भी इतना समझ में होना चाहिए, जो एजेंसियों को मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँ, उनको भी ये समझ होनी चाहिए कि ऐसा कोई नहीं कहेगा। किसी ना किसी को रिमांड पे तो लेना पड़ेगा, नाम है इतने आपके सामने, आपने किसी को अभी तक लिया, किसी को पूछताछ के लिए बुलाया, भाई कैसे बुलाएंगे? कोई FIR लॉज भी नहीं हुई, किसी अननाउन पर्सन के ऊपर भी तो नहीं हुई, अभी तो नाउन आगे हैं। जब जैसे आपने अभी मेरे भाई बोल रहे थे कि भाई आपने उनको पूछा कि बड़े पार्टी के अध्यक्ष ने कहा, तो भाई और भी नाम आए हैं मीडिया में, जो कहा गया है पावरफुल पर्सन का कोई है, J&K का मोस्ट पावरफुल पर्सन है, मीडिया को ऐसे तो नहीं छापता है। मीडिया का काम सबूत देना नहीं है, जांच एजेंसियों का काम है उन खबरों को, उनकी तफ्तीश करे, उनकी जांच करे और वो सच सामने लाए। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि भाई इन पे भरोसा नहीं है, हमने ऐसा नहीं कहा इनका भरोसा नहीं है, लेकिन घर का अगर मुखिया जो है वही अगर कहीं गलत कर रहा है तो बाकी लोग गलत करेंगे और वो उसको डिफेंड भी करेंगे, अपने घर की बात घर के अंदर रखने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमने कहा सरकार ना करे, सरकारी लोग ना करें, इसमें एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, जहाँ तो हमने जुडिशरी के अंदर मांग कर रहे हैं, और हम तो कहते हैं कि इसमें CBI की जांच होने दीजिए, ताकि भविष्य के लिए जो रैकेट कर ये चला रहे हैं, जिस तरह का रैकेट, इसमें हमारी स्टेट के ही लोग, ऐसा नहीं है, कुछ लोग स्टेट के भी हैं, बाहर की एजेंसियाँ भी शामिल हैं, तो उनको भी शामिल जो हुए हैं उनके लोगों को भी सजा देने के लिए कम से कम एक पावरफुल एजेंसी तो हो, छोटे मोटे लोगों को, जो छोटे मोटे लोग उनको कैसे करेंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि भाई लोग कंपिटेंट नहीं है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है कि वो उन लोगों के सामने ये चीज़ें हो गई हैं। आप यकीन ना, जब ये एग्ज़ाम प्रोसेस चल रहा था, जब ये सारी टेंडरिंग प्रोसेस चल रही थी, JKSHB के सामने ही टेंडरिंग हुई है, उसी ने करा है, L1 को टेंडर दिया नहीं, उससे हाथ से लेकर L2 को दे दिया, या जो भी दूसरी एजेंसी उसको दे दिया, कैसे? हाँ जी, सीक्रेसी मेंटेन नहीं कर पाएगी, आपको पता चल गया सीक्रेसी मेंटेन नहीं कर पाएगी, आपने कोर्ट में ये कहा, लेकिन उस इंसान का जो L1 था उसको तो पहले तो कन्वे नहीं किया गया, आपने चोरी से टेंडर किसी और को दे दिया, जो L1 था पार्टिसिपेंट था टेंडर में उसको तो बताया नहीं गया। तो ये टेक्निकल कुछ ऐसे हैं जो इनके ऊपर जांच होनी चाहिए, तो JKSHB को कटघरे से बाहर क्यों कर रहे हैं? तो इन लोगों के सामने ये चीज़ें हुई, आप कैसे कह सकते हैं कि हम इनके ऊपर भरोसा कर लें? ये जिस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये सोच भी रहे हैं तो ना सोचे, क्योंकि हम अभी तक ये, मैंने कहा, मैं बार बार ही कह रहा हूँ कि हम अभी तक ये इसलिए नहीं दे रहे थे, पब्लिक नहीं कर रहे हैं कि भाई सरकार के कुछ लोगों के ऊपर तो भरोसा रहना चाहिए, लोग कहाँ जाएंगे, सरकार ही नहीं है तो क्या कहाँ जाएंगे लोग, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, लोकतंत्र के ऊपर से भरोसा ना उठे, इसलिए हमने चाहा था कि बस एजेंसियाँ अपना एक फेयर मैनर से जांच करें, हमारा किसी मोटिव किसी एक बंदे को पॉइंट आउट करके उसको उसके ऊपर कोई धांधली का आरोप लगाना नहीं है, लेकिन जो जो कल्प्रिट हैं, बहुत सारे लोग जेन्युइन हैं, लोग बच्चे पढ़ते हैं, नंबर आते हैं, लेकिन जो भी इसमें गड़बड़ी करी है उसको सजा देने के लिए हम कह रहे थे CBI इंक्वायरी हो, ताकि एक फेयर इंक्वायरी, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन, माइंड जो लगेंगे इसमें, इतना दिन तो बचेंगे नहीं, 6 घंटे के अंदर अंदर स्कैम खुलने वाला है, नहीं है तो चैलेंज कर लो, मैं कह रहा हूँ कि नहीं खुलेगा तो, लेकिन इसमें मंशा होनी चाहिए, मंशा नहीं दिख रही, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं CBI इंक्वायरी हो। सर, मैं इन शॉर्ट में आपसे जानना चाहूँगी, अब आपको क्या लगता है कि पढ़ाई लिखाई के अलावा क्या पैसे देकर जॉब मिलेगी जिस तरह का स्कैम में जो निकल? देखिए, लगभग 90 से 92 हज़ार बच्चों ने इस पेपर को दिया था,
अगर अब इसके अंदर दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होता तो नेचुरल सी बात है कि इन सभी अभ्यर्थियों का जो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से और इस सरकार पर से भी जो है विश्वास उठ जाएगा और फिर वही बात आ जाती है जो आप कह रहे हैं कि फिर पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाता। ऐसे में जब लगातार इसमें सरकारी अधिकारियों के नाम आ रहे हैं कि कुछ लोगों ने अपनी पोजीशंस का मिसयूज़ करके बड़े स्कैम को अंजाम दिया है तो ऐसे में सीबीआई इंक्वायरी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक मल्टी करोड़ मल्टी स्टेट स्कैम है जिसको यहाँ की एजेंसीज नहीं सॉर्ट आउट कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि इनके सामने ये सब हुआ, ये एजेंसीज तब यहीं पे थी, चाहे वो क्राइम ब्रांच है चाहे पुलिस है, इन लोगों के नाक के तले ही ये सब होता रहा। अगर पेपर कहीं आउट हुआ है या ये कुछ हुआ है ये सब इनके अंडर हुआ है। हम ये चाहते हैं कि इसमें सीबीआई जो है वो जांच करवाई जानी चाहिए ताकि जितने भी लोग शक के दायरे में हैं उनकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स, उनकी कॉल लोकेशन, उनकी कॉल डिटेल्स डीप इंक्वायरी की जाए और इस पूरे के पूरे स्कैम का पर्दाफाश हो और जो भी बड़े लोग इसके अंदर शामिल हैं उन लोगों को एक ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि दोबारा इस तरह का स्कैम, दोबारा इस तरह का खिलवाड़ जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ ना हो। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह का जो स्कैंडल है ये एक देशद्रोह के बराबर है क्योंकि जम्मू कश्मीर के लगभग 1 लाख के आसपास अभ्यर्थियों के साथ ये एक धोखा किया गया है। ज़्यादा कुछ नहीं डिमांड कर रहे हैं, सिर्फ यही डिमांड कर रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए जेके पीएसए एग्जाम में। तो देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है, 24 तारीख तक का जो है वो टाइम है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन न्यूज़। आशा खान से तलाब।